खबरों का। यूपी में दूसरे चरण के लिए कल होगा मतदान। 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदाता करेंगे मतदान। यूपी के साथ साथ कल गोवा और उत्तराखंड के विधानसभाओं के लिए भी मतदान होगा। चुनाव आयोग ने प्रचार की नई गाइडलाइंस को जारी किया। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक पार्टियां कर सकेंगी प्रचार। बुर्का पहनने को लेकर बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा, सारे लोगों ने स्कूल पर किया पथराव। हिजाब और बुर्के को लेकर महबूबा ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। देश में एक और बैंक घोटाले का पर्दाफाश, सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड के खिलाफ मामला दर्ज किया। शनिवार को उद्योगपति राहुल बजाज का निधन हुआ। बिहार में हटाए गए सभी तरह के कोरोना प्रतिबंध। आईपीएल नीलामी के पहले दिन चाहे भारतीय खिलाड़ी। प्रचार के आखिरी दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देवबंद में समाजवादी पार्टी पर गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा कुछ लोगों ने तालिबान के नाम पर भड़ाई गर्मी। उन्नाव पीड़िता की मां से मिली बीएसपी नेता और निर्भया केस वकील सीमा कुशवाहा। पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे से पहले सिख फॉर जस्टिस के बड़े साजिश का खुलासा। पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 रैलियां, 14 को जलंधर, 16 को पठानकोट और 17 फरवरी को अबोहर जाएंगे। देहरादून में अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन, हर की पैड़ी पर गंगा आरती में शिरकत की। जयपुर में स्कूल शिक्षा परिवार के सदस्यों का प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश में 2 कारोबारी समूहों पर आयकर विभाग की छापेमारी। खबर जयपुर से, जहां पर त्रिवेणी नगर में सतवीर चौधरी के लिए अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आगरा के मानसून से खबर, जहां पर पैसों के विवाद को लेकर गोलियां चली। झुंझुनू के इस्लाम नगर से खबर, जहां पर 2 पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ। राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का मंत्री राजेंद्र गुड़ा के घर के बाहर धरना। अलवर के छुपाने की औद्योगिक क्षेत्र में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन फैक्ट्री का लेंटर खिला। लेपर्ड संरक्षण के लिए 2 सालों में 28 करोड़ रुपए के काम हुए हैं, विभाग की तरफ से जानकारी। झुंझुनू के बेरी गांव में शहीद पीरू सिंह के स्मारक स्थल पर अतिक्रमण हटाने की मांग के बाद शहीद के परिवार को धमकियां मिलनी अब शुरू हो चुके हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर ने किया मावली का दौरा, नवोदय विद्यालय का निरीक्षण किया। अनूपगढ़ के पब्लिक पार्क में ईटा भट्टा लेबर यूनियन की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। जलौर में सीएमएच ऑफिस के सामने मोटर गैराज में रात एक युवक की लाठियों से पीट पीट कर हत्या करने का मामला। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से खबर, जहां पर विधवा महिला को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। भीलवाड़ा के हसीन से खबर, जहां पर निम्बा खेड़ा में गांव में डीजे लगाने आए बदमाशों ने नाबालिग को एक बक्से में बंद किया। विभिन्न योग संयोगों में माघ शुक्ल एकादशी जया एकादशी के रूप में मनाई गई। प्रस्तुतकर्ता